हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है संडे का दिन और मैं अभी जो है थोड़ा पढ़ रही थी। यू कैन सी माय सेटअप। और अभी मेरे को थोड़ी सी थकावट हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि कॉफ़ी बना लूँ। पर पहले इसके पहले मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ और आज का मौसम दिखाती हूँ। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश होके हटी है, अभी तो नहीं हो रही है। चलो ऊपर जाके दिखाती हूँ। और अंदर मम्मा काम लगे हुए हैं। गले में खराश हो रही है मेरे। बहुत सारे काइट्स आज भी उड़ रहे हैं। आज हमने तो कोई काइट नहीं उड़ाने यार, बट आज मौसम अच्छा था, आज उड़ाने चाहिए, पर मन नहीं कर रहा बिकॉज मुझे अभी जो है काम अपना जो है कंप्लीट करना है, सो मैं उस चीज़ में लगी हुई हूँ। लुक एट द क्लाउड्स, वन सेकेंड, ये देखो बड़ा ही अच्छा मौसम है। थोड़ी देर पहले बारिश होके हटी है और बारिश में भी पता पतंग उड़ रहे थे। उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना मैंने आपको दिखाना था। ना आज कुछ ज़्यादा ही है, मे बी संडे की वजह से, कल सैटरडे था, आज संडे के कारण बहुत बहुत ज़्यादा है। बीच में बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, बर्ड्स और काइट्स सब मिक्स हुए पड़े हैं, सो इट्स लाइक पूरा आसमान भरा पड़ा है। ये देखो आप, ये पिजन बैठा है, ये भी उड़ जाएगा जैसे मैं पास में जाऊंगी ना। ये इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ जाते हैं। नहीं उड़ा रहे यार, ये उड़ गया। यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसके बीच में पॉटी करते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। और यार बड़े, मैं एक वीडियो में बोल भी चुकी हूँ, चलो फिर से बता देती हूँ। गाइस, दिस इज़ नॉट अ कार, ये पानी की टंकी है, और जो कि अभी इस वक्त बहुत ही ख़राब हालत में है क्योंकि इस पर कोई पेंट पुंट नहीं हुआ हुआ, उस घर में कोई रहता नहीं है अभी एक्चुअली, तो पानी की टंकी है, इट्स नॉट अ कार। अभी मैं क्लियरली बता रही हूँ, आई थिंक अभी आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं जब भी छत पे आती हूँ और कोई न्यू बंदा मेरा व्लॉग देखता है तो वो बोलते हैं आपके पीछे गाड़ी है, इट्स नॉट अ कार। गाइस, हमारे पंजाब में ऐसी जो टंकियां हैं पानी की होती हैं, एक यहाँ पे ना आपको बहुत दूर मैं दिखाती हूँ, जूम इन करके ईगल बनी हुई है, वन सेकेंड में बताती हूँ, वो अगर आपको दिख रही होगी। सो ये ईगल है एंड ये भी पानी की टंकी है। ये देखो आइसक्रीम वाले भैया आए हैं, मास्क पहन के आइसक्रीम बेच रहे भैया। आइसक्रीम मत बेचो, बच्चों को मना किया गया है आइसक्रीम खाने से। एक ना हमारे छत के ऊपर भंवरा सा आता है, ब्लैक कलर का नहीं होता, जो मोटा सा, एंड ये मुझे हमेशा यहाँ से भगा देता है। ये आएगा, इसने गोल गोल घूमना शुरू कर देता है एंड ये पूरा टेरेस हथिया लेता है। मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा लाइट चली गई कॉफी बनाते बनाते, वो तो थैंकफुली जो है ब्लेंडर मेरा सही टाइम पे जो है मतलब मैंने यूज कर लिया था, वरना ये बन नहीं पानी थी। सो ब्लेंडर मैं इसलिए करती होती हूँ क्योंकि कॉफ़ी मशीन नहीं है, सो ब्लेंडर में जो है ना ये अच्छी छाक वाली कॉफ़ी बन जाती है एंड ये अच्छी लगती है। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती, सो ये वाली कॉफ़ी में मुझे फिर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत क्रीमी और रिच हो जाती है, सो टेस्टी लगती है ऐसे। आप लोग भी कभी जो है ट्राई करके देखना। एंड ये कप जो है बाय द वे गिफ्टेड टू मी है बाय सोफिया, ये मुझे सोफिया ने दिया था, मेरे बर्थडे पे दिया था। एंड आई डोंट रिमेम्बर विच वन, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर शी गिफ्टेड मी दिस। सो ये जो है ना इसके ऊपर बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। खाते हाथ में ऊपर चलते हैं, आई थिंक ऊपर अच्छी लाइटिंग होगी, यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर नहीं है एंड ऊपर अच्छे से जो है मौसम में हम कॉफ़ी पी के फिर वापस आते हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट भी बंद हो गया तो मैं अभी पढ़ तो वैसे भी पाऊँगी नहीं, तो लाइट का वेट कर लेते हैं। नाउ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट के ये सुपर हीरो का नाम क्या था, बट ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है थ्री बगातिया, मीन्स थ्री
बगाती मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। सो ये 3 सुपर हीरोज हैं, उसमें से एक कैरेक्टर है ये। ये बहुत ही अच्छा सा कॉफ़ी मग है जिसमें मैं चाय भी पी सकती हूँ वैसे। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई झाग वाली फैंटास्टिक सी कॉफ़ी विद दिस ब्यूटिफुल वेदर एंड लॉट्स ऑफ काइट्स अराउंड मी एंड लॉट्स ऑफ नॉइस ऑल्सो जो आपको सुन रही होगी। गाइज लुक, लेमन लगने स्टार्ट हो गए हैं। दिस वन ओवर हेयर, एक वो रहा नीचे, एक इधर है एंड देन हेयर यू नो स्मॉल स्मॉल। ये देखो ये अभी सब बनेंगे। ये भी है, इस पर फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। एंड ये जितने भी देखो इस पर फ्लावर्स आए हैं, ये देखो ये देखो। गाइज अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है ये वाला पीस लेकर आए थे एक बार कुछ बनाने के लिए, तो वो अब जाकर फाइनली अब जाकर जो है इसकी बारी आई है और मम्मा कटिंग कर रहे हैं। और जो बनाना था हमने जो सोच के लेके आए थे वो तो अभी भी नहीं बन रहा, तो इसका कुछ और ही अब मम्मा ने कुछ दिमाग लगा के सोचा है क्या बनाना है। वो बनने के बाद जब रेडी हो जाएगा तभी पता लगेगा, आपको पहन के दिखाऊंगी ऑफकोर्स, और मेरे लिए ही बन रहा है। इतनी देर से सोच रही हूँ मेरे पैर के नीचे क्या आ रहा है, और मेरे पैर के नीचे मेरे हेडफोन्स आ रहे थे। और मैं ना अभी अपना व्लॉग देख रही जो मैंने आज बनाया और एडिटिंग करने बैठी थी, और उसमें मैंने देखा मेरे नेल्स कितने गंदे लग रहे हैं एंड लुक एट देम, इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है इनकी। तो मैंने सोचा लगे हाथ इनका काम भी तमाम कर देते हैं। पता नहीं क्यों इस बार मैं मन करा मैं कुछ ना लगाऊँ, आई जस्ट वॉन्ट प्लेन नेल्स, पर लेकिन देखती हूँ। और ये मेरा नेल पेंट्स का पिटारा है बाय द वे। एंड अभी इसमें से कुछ दिन पहले ही जो है मैंने और मम्मा ने क्लियर करे हैं, मतलब जो भी खराब जो सूख जाती हैं ना तो वो हमने फेंक किए हैं, तो मतलब और भी ज़्यादा थे बट हमने निकाल दिए हैं इसमें से। अभी ये सिलेक्टेड सिलेक्टेड से रखे हैं। मच बेटर राइट, मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ इसके ऊपर, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है क्लीन। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ इनको, क्योंकि फॉर अ चेंज हर वक्त लगी रहती है नेल पेंट, एंड अभी मुझे ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, नाइस से सोबर डिसेंट क्लीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन है। कट भी कर दिए नेल्स, एंड बहुत लोग ये वहम करते हैं कि इवनिंग में नेल्स नहीं काटने चाहिए ये सब, पर मैंने तो रात को काटे हैं। वहम इतना ज़्यादा हम लोग करते नहीं हैं, बट बाकी भगवान के भरोसे। एंड गाइस मैं कोई फ़ोटो डालती हूँ या कुछ भी वीडियोस, मुझे ना एक बारी मतलब अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे विनोद विनोद विनोद, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मीम बन चुका है विनोद विनोद, बट जैसे हम लोगों को तो पता है। मैं सोच रही थी कि मम्मा पूछ के देखती हूँ कि मम्मा को मालूम है कि नहीं, क्योंकि मतलब हमारी जनरेशन के लोगों को मालूम है ये कि एक मीम बना हुआ है, एक मजाक बना है। सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो मम्मा से बात करके देखते हैं, कि उनको पूछते हैं ये विनोद का क्या चक्कर है। ओके सो ये रही मम्मा, मैं मम्मा से पूछती हूँ। मम्मा आपने आपने मतलब सुना है कुछ ऐसे विनोद करके आजकल, जैसे कुछ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे विनोद 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 कुछ ऐसे करके? विनोद हाँ विनोद यार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक दो वीडियोस के नीचे मैं कमेंट्स देखे हैं कि विनोद विनोद विनोद। हाँ मतलब आपको इसका मेन पता तो नहीं है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ है और ये क्या चीज है ऐसा कुछ? नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने वैसे। हाँ मैं देख जरूर रही हूँ कि मतलब इतना पता चला है कि कुछ विनोद विनोद करके हो रहा है, पर उसका रीजन नहीं पता चला। मैं पूछना भूल भी जाती हूँ, टाइम लगता है कि क्या है, क्या चीज। किसी ने वीडियो बनाई थी ना, तो कोई स्ले पॉइंट करके चैनल है, उन्होंने वीडियो बनाई थी,
तो उसमें उन्होंने ना कोई कमेंट्स के बारे में जिक्र किया था जिसमें विनोद नाम का बंदा था कोई, तो वो वहां से बस मीम बन गया, एम ही बस अच्छा कोई खास बात नहीं है, बस एम ही एम ही का क्या मतलब बस मीम्स ऐसे ही बन जाते हैं यार, मजाक निकाल दिया लोगों ने। अब वो विनोद नाम के तो पता नहीं कितने, हाँ विनोद नाम के बंदे बहुत मशहूर कर दिए उन्होंने। अच्छा मैं सोच रही थी कई दिनों से, मैं भूल जाती हूँ पूछना। तो कमेंट्स तो मैंने कई, चलो अब आपको पता चल गया, मतलब उन्होंने मजाक वे में वीडियो बनाई थी। मजाक क्या मतलब, कैसे मजाक किया विनोद? विनोद नाम का बंदा था, उसने किसी की जैसे सपोजिंगली मेरे वीडियो के नीचे कोई विनोद नाम का बंदा कमेंट करे, उसने कमेंट में भी लिख दिया विनोद अपना, अच्छा, ही नाम। अपना खुद का नाम ही, हाँ तो वो मजाक बना दिया उन्होंने कि यार हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तुम कुछ अच्छा लिखो या इससे बेटर ना लिखो, मतलब ऐसे उस वे में कुछ सूझ नहीं रहे होगा लिखने के लिए, दिल कर रहा होगा टाइपिंग करने का, नया नया फोन लिया होगा उसने हो सकता है ऐसा हो भाई, हो सकता है खुद का नाम फेमस कर दिया और क्या, बंदे की स्ट्रेटजी काम आ गई। चलो ऐसे तो सभी लिख सकते हैं, मैं लिख दूंगी अपना नाम हर वीडियो के नीचे, मैं अपना नाम लिखूंगी, आप भी कर लो अपना नाम मशहूर, करो गाइस नीचे कमेंट करो अपना नाम मशहूर हो जाओ आप, मैं किसी को नहीं रोकती। सही बात है, मैं नहीं मजाक बनाऊंगी आपका। चलो कर लो आप अपना काम। ओके ओके, हाँ जी मैं मम्मा को बुला कर लेके आई थी स्पेशली इसके लिए, मम्मा वही सूट बनाने में ही लगे हुए हैं, और अभी जो है बारी आती है हमारे खाना खाने की। मैं जैसे ही सोचती हूँ कि आज कुछ गलत नहीं खाना, आज कुछ गलत नहीं खाना, उसी वक्त कुछ ना कुछ घर पे ऐसा आ जाता है, जैसे कि ये मेरा ब्रदर लेकर आया था। तो तेरे लिए थोड़ी लेके आया हूँ, एक मेरा एक उसका है ना। मेरे सामने आगे ना ये, अब मेरा ध्यान इन्हीं में पड़ा पड़ा है, मैं सोच रही हूँ नहीं खाना नहीं खाना, मेरा इतना मन कर रहा है कि चाय का कप बनाऊं और साथ में लेस खाऊं, पर लेकिन मैं रिजिस्ट कर रही हूँ कि नहीं 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 पर ये होगा नहीं, तू खा लेगी मुझे पता है। देखो मम्मा कितना अच्छे से जानते हैं मुझे। हाँ। क्यों भाई, मैं पहले पहले खा लेगी फिर पता बोलेगी क्या, चलो कल मंडे है ना अंकल से शुरू करेंगे आज खा लेते हैं। मैं देखोगे जैसे अगर आप लोग कोई डाइट पे भी हो या कोई कुछ भी कर रहे हो ना, जो मन करता है लिमिट में, एक पता होना चाहिए आपको कि आप किस हिसाब से, चीट भी अगर कर रहे हो तो एक दायरा होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैंने अगर हफ्ते में एक चीट करनी है पर उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा नहीं खाना, तो आज संडे है इसलिए मेरा बहुत मन हो रहा था कि संडे चीट मील रख लेती हूँ, लेकिन अभी चलो देखती हैं, पर अभी जितना दूर रह सकती हूँ इनसे रहने की कोशिश कर रही हूँ, फिलहाल नॉर्मल खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं।